ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री देव्यै नमः। एक बार बोलिए महालक्ष्मी जी की जय। श्री गुरु राम राम। स्वागत है मेनका इंडियन एफएम के इस वीडियो में। मैं हूँ आपके साथी प्रणील। तो आज नवमी तिथि बल्कि महानवमी, इसकी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम पुनः फिर कथा वहीं से उठाएंगे जहाँ पर हमने छोड़ा था, और हम अंत करेंगे बिहान कल, जबकि वह होगा विजयदशमी, जिस दिन हमारी माँ दुर्गा ने महिषासुर राक्षस का वध किया था, और इसके साथ साथ दशहरा का पावन पुनीत त्यौहार भी होगा, जबकि हमारे श्री राम जी ने लंकापति रावण पर विजय प्राप्त की, उसको उसका संहार किया, और माता सीता के साथ उन्होंने फिर वहाँ से लंका छोड़ा। और अभी दीपावली भी आने वाली है, तब वहाँ अयोध्या की ओर प्रस्थान किए। चले हम कथा शुरू करते हैं। अतः पंचदशो अध्यायः बिडाल तथा असिरोव दैत्यवध तो बिडाल असिरोव वध देवी युद्ध प्रसंग। 15वें अध्याय में हम अब श्रवण करते। श्री व्यासवाच श्लोकः तौत्यान्हित्यवाशुत्ता महेश विस्मेयान् वित्तः प्रेषयामासाम दैत्यान्स्त दूधार्थ बलानहम। अर्थात व्यास जी कहते कि हे राजन, इस प्रकार चिक्षुर तथा द्रामासुर का वध सुनकर महिषासुर को बड़ी विस्मय हुआ और पश्चाताप हुआ। तब उसने अनन्य महाबली दैत्यों को भी भगवती के वध के लिए भेजा। उनमें असिरोभा और विडालाख्य नामक दो दैत्य प्रमुख थे। युद्ध में उनकी बराबरी करने वाला कोई नहीं था। वे कवच धारण किए थे, हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए थे, और विशाल सेना के साथ समरभूमि में जा उपस्थित हुए। तब महिषासुर नहीं मारता है, नहीं मानता है। ऐसे कई राक्षसों का वध, उनके सैनिकों का वध हो गया है, लेकिन वह फिर भेजता है। असिरोवाच देवी ब्रूहा वचम सत्यम किमर्थमहिम सुंदरी आगातास्ति कि मर्थ वा सन्निहि दयानि रागसः। अर्थात असिरोवा ने पूछा, देवी सही सही कहिए, आप यहाँ किस निमित्त से आए हैं, और हे सुंदरी, इस निर अपराधी दैत्य को आप क्यों मार रही है? इसका कारण मुझे आप स्पष्ट बताएं। कृपा करें, मैं अभी आपके साथ संधि करने के लिए तैयार हूँ। हे वरारोहे, सुवर्ण मणि रत्न और अच्छे अच्छे पात्र अपनी इच्छा अनुसार लेकर यहाँ से शीघ्र चली जाइए। व्यर्थ ये संताप एवं दुख बढ़ाने वाला इस युद्ध के चक्कर में क्यों पड़ती है? तो असिरोभा जब पहुँचता है रणभूमि में, तो वह संधि करने की कोशिश करता है। माँ को बता रहा है, तुम हमारे यहाँ से गहने धन ले जाओ, हमको छोड़ दो, हमको क्यों मार रहे हो, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? आज हम श्लोक कम करेंगे, क्योंकि आज थोड़ा समय भी मेरे पास कम है और कथा भी ज़्यादा है। तो श्लोक आता है, परोपात तामहम कार्य वनीयम सदा बुद्धय अभिरोधः कर्तव्यम धर्मार्थ काम से वनम। अर्थात बुद्धिमान पुरुषों का कर्तव्य यह है कि ऐसे कामों से वे सदा बचे रहें जिससे किसी प्रकार की कष्ट हो। उन्हें तो समुचित रीति से धर्म अर्थ और काम का ही सेवन करना चाहिए। इस कारण हे कल्याणी, आप अब अपनी बुद्धि धर्म कृत्य में लगाइए। हे अम्ब, आप हम निरपराधी दैत्यों को क्यों मार रही हैं? क्योंकि देवता और दैत्य दोनों की आप जननी है, तो माता तो सबकी जननी है। और ये असुरोभन बता रहा है माता को कि आप तो हमारी भी माता हो, तो हमको आप क्यों मार रहे हो? एक चाल चल रहा है, क्योंकि पुरुष मात्र का शरीर दया और धर्म है, सत्य ही उसका प्राण है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि दया धर्म और सत्य का परित्याग कभी ना करे, सर्वदा उसकी रक्षा करे। तब हे देवी, आप दानवों के संहार करने में क्यों तुली हो, इस कारण बताने की कृपा करिए। तो फिर पूछता है और बोलता है कि हमको, हे देवी, हमको दया दिखाओ।
देव उवाच त्वं महापृष्ठ महाभाव किमर्थमहं चागता त्वं संप्रवाक्ष्यमी हनन्ये च प्रयोजनं विरिचरामि सदा दैत्य सर्वलोकेषु भुवा सर्वदा। अर्थात ये सुनकर देवी ने कहा कि हे महाबाहो, तुमने जो यह पूछा है कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, सो मैं अपने आने का कारण बताती हूँ। सुनो हे दैत्य, मैं परिमात्र का न्याय तथा अन्याय देखती हुई सभी साक्षीभूत बनकर सब लोकों में सदा, यहाँ सदा विचरती हूँ, हमारी देवी माँ सदा सब लोक में वो विचरती है, रहती है, जाती है। मुझे अपने लिए ना कभी भोग विलास की इच्छा है, ना लोभ, और ना किसी के प्रति राग देश द्वेष की भावना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा इच्छा कुछ नहीं है। श्लोक आता है कि ज्ञातवाहम तद्धार्थम भुवः प्राप्तास्मि राक्षसा धुनामतम हनिष्यते दुराचारम शुरशत्रु महाबलम। अर्थात यही सुनकर मैं यहाँ महिषासुर को मारने के लिए उपस्थित हुई। अरे दानवो, वह महिष महाखल है, उसे मैं मार डालूंगी। अब तुम चाहो चाहे जाओ, चाहे रहो अथवा युद्ध करो, मैं यही डटी हूं। तुम्हारे पूछने पर मैंने स्पष्ट स्पष्ट सत्य कहा है, और अतः जाकर अपने दुष्ट दुराचारी महिष से मेरा यह संदेश कह देना। हे राजन, आप अन्य दैत्यों को क्यों भेजते हो, स्वयं आकर युद्ध करो। संभव है तुम्हारे महाराज को मेरे साथ संधि करने की बात बन जाए। तो माँ कहती है कि तुम जाओ और महिषासुर को बताओ कि अपने आप आए। ये क्यों फोकट के भेज रहे हैं, एक से एक योद्धा बेचारे मारे जा रहे हैं, और कौन जाने कि महिषासुर किसी प्रकार की संधि कर ले। श्लोक आता है, सर्वे गच्छन्तु पातालम वैरम त्यक्त्वा यथा सुखम देवदव द्रवम तु यक्तिंच दधतीन्तः जित्वारणे सुराणम तत्त्वा यान्तु पातालम प्रहलादो यत्र तिष्ठति। यहाँ पर प्रहलाद जी का हमने शोक पढ़ा, उसका अर्थ सुनते हैं। इसलिए तुम सभी अब वैर भाव छोड़कर सुखपूर्वक पाताल चले जाओ। फिर देवी माँ बोलती, और एक बात स्मरण रखना, तुम लोगों ने संग्राम में परास्त करके देवताओं का जो धन वैभव हड़प लिया है, वह सब वापस करने के पश्चात ही संधि होगी। और वह भी कह देना कि देवताओं का सब अधिकार लौटाकर महिषासुर आदि सभी दानव उस पातालपुरी में चले जाए जहाँ प्रहलाद राज कर रहा है। हमारे प्रहलाद जी का कथा हमने होली के समय कहा था कि वो बड़े विष्णु जी के भक्त थे, और उसके पिता उनको मरवाना चाहते थे हिरण्यकश्यप। तो हमारे श्री हरि विष्णु जी ने नरसिंह रूप धरकर हिरण्यकश्यप का वध किया था, और प्रहलाद जी बड़े राक्षस कुल के, वैसे दानव असुर कुल के हैं, लेकिन उनका कर्म, जिसे मैंने हर वक्त कहता रहता हूँ कि हमारे यहाँ सनातन में जो आप करते हैं कर्म आपका ये बता कि आपको क्या गति मिलेगी, और कर्म भी धर्म के अनुसार। तो प्रहलाद जी बड़ा सुंदर कथा वो, और माँ बताती है कि प्रहलाद वहाँ पर राज्य करते हैं पाताल में। तो ऐसे राजा के जहाँ पर आप जाओगे, ऐसा बात हमारी माता कहती। श्लोक आता है कि प्रियम महीय वक्तव्यम महास्त्यमेव नाचा प्रियम स्यादित्था कृतम भाषितम। अर्थात यद्यपि प्रिय वचन बोलना चाहिए पर वह असत्य ना हो, अच्छा बोलो, लेकिन ये नहीं कि अच्छा बोलने के चक्कर में आप झूठ बोले दो, क्योंकि हितकारक सत्य वचन बोलना सर्व उत्तम है। तो सच्चाई बोलना चाहिए और उससे ही कल्याण हो।
यदि सत्य होने पर भी अप्रिय हो तो ऐसी दशा में चतुर मनुष्य को चाहिए कि वहां मौन धारण कर ले, क्योंकि सत्य से मौन श्रेष्ठ। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा और आगे मैं अर्थात कर लूँ तो फिर मैं और बताता हूँ कि नीति शास्त्र का कहना है कि वीर पुरुष मिथ्या वचनों द्वारा राजा को धोखा में नहीं डालते। तो ये जो राज दैत्य अभी माँ के सामने है तो वे विचार करें कि वे करे तो करे क्या, महिषासुर के पास जाए सत्य बोले, लेकिन सच्चाई जब बोलेंगे तो वो गुस्सा आएगा। तो वे कह रहे हैं कि अच्छा इस ऐसे में तो कुछ ना ही बोलना ही कल्याण का, क्योंकि झूठ तो बोल नहीं सकते, झूठ कैसे बोलेंगे, क्योंकि ये सब आप देख रहे हैं कि भले देन दानव असुर है लेकिन उनमें ज्ञान भरा है, ज्ञान उनमें, और कई ज्ञान हमने सीखा है, हमने कथा जब तक जब हम कर रहे हैं आपने सुना है श्रवण किया। तो फिर व्यास जी कहते व्यास उवाचहेति यसंचिन्तया तौ वीर्यो संस्थितो वहा यद् तत्परवा धनुर्बाणधरौ तत्र सन्नधौ वा रथ संगतौ। अर्थात व्यास जी कहते कि इस प्रकार मन में विचार करके दोनों वीर योद्धा असिरोभा और विडालाख्य युद्ध करने के लिए हाथों में धनुष बाण लेकर देवी के सामने आ डटे। तो इन्होंने फैसला किया इनको युद्ध करना। वे कवचधारी वीर रथ पर बैठे थे, उनमें सर्वप्रथम विडालाख ने देवी के ऊपर 7 बाण चलाए। शस्त्र चलाने में निपुण असिरोभा दूर जाकर दर्शक के रूप में खड़ा हो गए। तो युद्ध अब चल रहा है। श्लोक चिच्छेदम मतां सत्तथा प्राप्तानं विकाश स्वशरेयः शरणम विडालाख्यम त्रिभिर बाणयर् जागम च चिराशितयः। अर्थात भगवती जगदम्बा ने अपने बाणों से विडालाख के बाणों को काट गिराया, पुनः पत्थर पर घिसकर तेज किए हुए 3 बाणों से विडालाख्य पर प्रहार किया। तो पत्थर पर बाण को घिस के चोक कर और विडालाख पर प्रहार किया। उन बाणों की असह्य पीड़ा से पीड़ित होकर वह दैत्य समरभूमि में गिर पड़ा। वह दैत्य से मूर्छा आ गई और क्षण भर में वही मर गया। दी एंड, काम तमाम। फिर श्लोक आता है कि विडालाख्यम हतम मदुष्ट भारणे शक्ति शरोकर असीलोभा धनुष्यपाणि संस्थितौ वा युद्धपरः। अर्थात इस प्रकार रण में विडालाख्य को मरते देख असीलोभा भी हाथ में धनुष लेकर युद्ध करने के लिए देवी सम्मुख आया और दाहिना हाथ ऊपर उठाकर अभिमान पूर्वक बोला, हे देवी मैं जानता हूँ कि तू सभी दुराचारी दानव मारे जाएंगे, फिर भी पराधीन होने के कारण हमें युद्ध करना ही पड़ेगा। तो अब देखिए, अच्छा इसको मैं पढ़ दूं पूरा, क्योंकि महिषासुर मंद बुद्धि का है, वे अपने हिताहित का ज्ञान नहीं रखते। तो जैसे मैं कह रहा था कि ये जो महिषासुर एक से एक राक्षस भेज रहा है वो ज्ञानी है, भले राक्षस असुर है, जैसे रावण भी था वो अति ज्ञानी था लेकिन उसका कर्म उसको नीचे कर दिया। तो यहाँ पर ये जो राक्षस भेज रहे हैं महिषासुर, अब पहले क्या था, वो पहले आते थे लड़ते थे मर जाते थे, फिर बाद में आपने देखा कुछ राक्षस आए पहले संधि करना चाहे, कुछ तरह के डील बनाना चाहे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि लौट के कैसे जाए महिषासुर के पास, हमको यहाँ लड़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर विडालाख्य अब क्या कह रहा है, बहुत बहुत हमको गौर करना चाहिए। मैं फिर से पढ़ता हूँ कि हे देवी मैं जानता हूँ कि सभी दुराचारी दानव मारे जाएंगे। तो विडालाख्य बोलता है देवी माँ से कि मुझे पता है कि सभी मारे जाएंगे जो हमारे राक्षस, फिर भी पराधीन होने के कारण हमें युद्ध करना ही पड़ेगा। और बताती माँ से कि हमारे पास और कोई चारा नहीं, हमको युद्ध करना पड़ेगा क्योंकि हम लौट के तो जा नहीं सकते। अब यहाँ तक तो बात ठीक समझ में आ रही है कि ये जो राक्षस ज्ञानी है ऐसे बात करें, ठीक समझ में। लेकिन अब सुना ये क्या है,
क्योंकि महिषासुर मंद बुद्धि का है। अब ये बता रहे हैं माँ को, हाँ माँ से अग्री कर रहे हैं कि हाँ माँ आप बोल रहे मंद बुद्धि है भैंस है, हाँ तो ये भी डाला के ये वह भी बोल रहा है कि हाँ वे महिषासुर मंद बुद्धि का, उसकी बेकार बुद्धि, और उसे अपने हित अनहित का ज्ञान है कि महिषासुर को कुछ पता नहीं कि उसके लिए अच्छा क्या है बुरा क्या। तो आप देख ले कि ये अब जान रहे हैं, जान गए कि होना क्या है, लेकिन फिर भी ये युद्ध करते हैं। श्लोक में जाते हैं, तद्गृह नवा वक्तव्यम हितम चैवः प्रियम मयामर्तव्यम वीरधर्मेनः शुभम वाप्य शुंभा भवेत। अर्थात अब उसकी मृत्यु सिर पर आ गई है, मरता क्या ना करता के समान वह भी विवश है, क्योंकि उसके सामने हितकारक वचन कहना भी अप्रिय है। अतः अब मुझे उससे कुछ कहना नहीं है, अपितु वीर धर्म के अनुसार समर में मर जाना ही मैं उचित कहता, तो मैं लौटूंगा नहीं, मैं यहीं पर मर जाऊंगा, ऐसा वेडला के बता रहा है। चाहे फल शुभ हो अथवा अशुभ हो, मेरे विचार में प्रारब्ध ही बलवान है, पुरुषार्थ को धिक्कार है, इससे कोई काम सिद्ध नहीं होता। तभी तो हे देवी मैंने आपके बाण लगते ही दानों वीर भूतल पर लेते चले जा रहे हैं। विडलाग बता रहे हैं कि ये जो सब हमारे असुरजन गंजो मारे जा रहे हैं उनको पता है, लेकिन फिर भी वो लड़ रहे हैं क्योंकि वो लौट कर महेश्वर के पास जा नहीं सकते। आगे श्लोक हम पढ़ते हैं कि असीरो वह गद गुरुविहा लोही मुद्दम महिया वेगतः रुद्रावचंडिका कोपत सिंह मूर्छन जगान। उसी क्षण असीरोभा एक लौमही भारी गदा लेकर बड़ी तेज से भगवती की ओर झपटा और निकट जाकर सिंह के सिर पर उसने गदा से प्रहार किया, परंतु देवी के बलिष्ठ सिंह ने उसकी कुछ भी परवाह ना करते हुए अपना तीक्ष्ण नखों से उसकी छाती फाड़ दी। तो इसमें दो बात है कि पहला है कि असीरोभा अब युद्ध में जाता है, माँ की ओर जाता है, लेकिन माँ को मारने के बजाय वह उसके सिंह को मारता है। हमारे माता जी आप देख रहे हैं कि सिंह यानी शेर पर सवार है, लायन पर, इस कथा में। और इसी से मैंने पहले कहा कि आप मूर्ति में देखोगे कि कई तरह के टाइगर लायन लेपर्ड कई तरह के चीज़ों के ऊपर सवार, लेकिन यहाँ पर कथा है कि सिंह पर सवार है। तो असीरोभा जो है वो माता को नहीं मारता, वो सिंह के ऊपर प्रहार करता है और सिंह उसका काम तमाम कर देता है। तो यहाँ पर अब अभी मेरे दिमाग में आ रहा है कि ऐसा ये इसने क्यों किया, क्योंकि वो जान गया है कि जिसके सामने वो खड़ा है वो जगत की माता है, और ये इतना ज्ञानी से अभी इतना ज्ञान की बात उसने कहा कि महिषासुर को कुछ पता ही नहीं, वो मंद बुद्धि, और इसलिए उसने माँ के ऊपर प्रहार नहीं किया, सिंह के ऊपर प्रहार किया, क्योंकि माँ के ऊपर कैसे वो प्रहार कर सकता, इतना ज्ञानी है वो नहीं कर सकता। बहुत सुंदर कथा देवी शास्त्र हमारे प्यारे श्रोतागण, बहुत सुंदर कथा। पहली बार मैं कर रहा हूँ, पहले मैंने किया है, लेकिन बहुत कम देवी भागवत किया है, लेकिन पहली बार इस तरह विस्तार से हम कर रहे हैं। आपकी कृपा है, माँ भगवती की कृपा है, और अच्छी तरह से हो रहा है और आप भी साथ दे रहे हैं। तो बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर हम विस्तार से जा रहे हैं, एक एक श्लोक हम जा रहे हैं। वैसे आज हम श्लोक कम पढ़ें तो और विघ्न नहीं करते हैं। श्लोक आता है कि उत्पत्य तरसः दैत्यो गदा पाणीयः सुदारुण्यः सिंह मूर्छितम् समारुवहयः जघानः जदायः अम्बिकामः। इतने पर भी उस गदाधारी दैत्य ने उछलकर सिंह के मस्तक पर सवार हो भगवती के ऊपर गदा चला दी। अच्छा, तो माँ के ऊपर प्रहार किया। अच्छा, तो उतना भी ज्ञानी नहीं जितना मैं समझता। तब हे राजन, वैसे इससे पहले हमने जो कथा सुना उसमें भी एक दो योद्धा ने सिंह के ऊपर प्रहार किया था, माँ के ऊपर। हे राजन, पैतरों के साथ उस गदाघात
से बचकर जगदम्बा ने अपनी तलवार की धार से झट उस दैत्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। तो माँ ने देर नहीं किया, जैसे अन्य राक्षसों के साथ किया था, सिर जमीन, द एंड, काम तमाम। वैसे बहुत गंभीर कथा है, सबकी बस की बात नहीं। हम श्लोक सुनते हैं। निहत्तवा दानवया वीक्षः पतितवाचरानङ्गन्नय्य हितः सैनिका सर्वित्रा केसृणा बलात्तः। अर्थात इस प्रकार विडालाख्य तथा असिलोभा को सम्रांगण में सर्वदा के लिए सोए देखकर शेष संपूर्ण सैनिकों को सिंह ने अपने पराक्रम से मार दिया। तो जब युद्ध चला, राक्षसों ने सिंह पर आक्रमण किया, तो फिर सिंह ने कई योद्धाओं को मारा। जो कुछ बचे थे उन्हें सिंह ने अपना कलेवा बना लिया। कुछ अंग भंग हुए, मूर्दान और दुखित होकर महिषासुर के पास रोते बिलखते पहुँचे और गिड़गिड़ा कर कहने लगे, महाराज सिलोभा और विडालाख्य के दोनों सेनापति मारे गए हैं, अब आप हमें बचाइए बचाइए। तो कई सारे योद्धा राक्षस मर गए और कुछ जो लौट के भागे महिषासुर से, अब बोल रहे हैं महाराज हमको बचाओ। अन्य भी जितने सैनिक थे सभी सिंह के ग्रास बन गए और अब समर भूमि में कोई नहीं बचा। देखिए हम लोग जान लेकर भागे आ रहे हैं, इसलिए आप कृपा करके अब स्वयं चलिए। ऐसा सुनकर महिषासुर क्रोध एवं चिंता से घबरा उठा, उसे चेहरे पर उदासी छा गई, हृदय में अंधेरा छा गया, वह किंकृत मूड सा बन गया और संतपत हो मुख नीचे करके सोचने लगा। तो महिषासुर अब सोच में पड़ गया कि वो करे तो करे क्या। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे आशुदश सहस्रम संहितायाः पंचम स्कंदे असिलोभः विडालाख्यम बद्धवर्णम नाम पंचदशो अध्याय। बार बोलिए माँ चंडिका की जय। अतः षोडश अध्यायः महिषदैत्य द्वारा देवी का प्रबोधन। महिषासुर संवाद पुनि देवी बोध विधान। 16वें अध्याय हम श्रवण करते हैं। श्रीवास जी उवाच तोषम तच्चरम शुत्वः क्रोधयुक्तो नराधीपः दारुकम् प्राह तरसा रथ मानया मेयाद्भुतम्। व्यास जी कहते कि हुए राजन, उस समय सैनिकों की बातें सुनकर महिषासुर अत्यंत क्रोधित हो उठा। तब उसने सारथी दारुक को बुलाया, मेरा वह अद्भुत रथ लाओ जिसमें हजारों गधे जोते जाते हैं। तो महिषासुर का रथ जो है वो गधे खींच रहे हैं, तो ये खुद है भैंस और गधा इसके रथ खींच। वाह वाह, द ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड, ऐसे वैसे ही बात कि जैसा राजा वैसा मंत्री वैसा उसका पूरा कार्यक्रम है। जो ध्वजा पताका से सुशोभित है और जिसमें अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्र रखे हुए हैं और जिसके चक्कर और युंगधर जुए अतीव पृष्ठ है, वह मेरा विचित्र रथ मेरे सामने अभी लाओ, मुझे अब मुझे जाना। तब अब महिषासुर अभी तक तो भेज रहा था और मरवा रहा था अपने लोगों को, अब स्वयं जाना। श्लोक आता है कि सेना प्रवृत्तव देवीम जगात मगधर वित्तः मनोज्ञम रूपमास्थायः मणिनीनाम मनोहरम। अर्थात इस प्रकार अभिमान में मस्त साथ मैं सैनिक लिए हुए वह भगवती जगदम्बा के पास पहुंचा। महिषासुर अब फेस टू फेस अब आ गया। उस समय उसके ऐसा सुंदर वेश धारण कर लिया जिसे देखकर अपने रूप का अभिमान रखने वाली स्त्रियों के मन भी मोहित हो जाते। बड़ा सुंदर रूप बदल, क्योंकि ये भले भैंसा था, आधा भैंसा आधा असुरा, लेकिन रूप बदलने में ये बहुत आगे था, मायावी था और बहुत सुंदर रूप बना लिया। तब भगवती ने देखा कि दैत्यराज महिषासुर निकट आ गया है और अपने साथ अनेक योद्धाओं को लिए हुए, तब उन्होंने शंख ध्वनि आरंभ कर दी। अब
इस युद्ध से पहले शंखनाद किया जाता है, शंख बजा, फिर आगे हम सुनते हैं कि माता पित्रो सुत पुत्रेण संगोस्त्रम श्रीमत् भ्रात्रः तथा योगा कारणम ध्योमतः। माता पिता का पुत्र के साथ संयोग उत्तम माना जाता है, भाई भाई के साथ संयोग बना रहने में कोई ना कोई हेतु विशेष कारण प्रधान है, इसलिए वह मध्यम संयोग कहलाता है, क्योंकि माता पिता का पुत्रजन्य संयोग स्वाभाविक एवं स्थायी होता है, अतः वह उत्तम सुख प्रदान करता है। भाई भाई का संयोग स्वार्थवश होने के कारण उसके कम सुख देता है, अतः उसे मध्यम सुख कहा गया। तो महिषासुर भी अब ज्ञान की बात करता है, क्योंकि ये भी है ज्ञानी, जो अपना तपस्या किया था, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था, तो ज्ञानी तो है ही। तो वो बता रहा है माता को कि माता पिता और पुत्र संतान जो है उनके बीच का जो रिश्ता है वो उत्तम माना गया है। तो बहुत ऑब्वियस है, जाहिर सी बात है कि जो जन्म देता है उसके साथ तो स्पेशल आपका संबंध है ही। और फिर बोलता है कि भाई भाई में मध्यम सुख बताया गया, क्योंकि आप जानते हैं वहाँ पर जैसे आजकल होता है उसको सिबलिंग राइवलरी बोलते हैं, कई लोग जरन इत्यादि करते हैं भाई भाई में, बहन बहन में। और महिषासुर बता रहा है कि वो रिश्ता मध्यम सुख, चलो मीडियम लेवल का बताया गया, मध्यम। और ये कहना क्या चाहता है उसका, क्यों ये कह रहा है, आगे हम श्लोक सुनते हैं कि नाविकानम तु संयोग स्मृत स्वभाविको बुद्धे विविधावृत चित्ता नाम प्रसंग परिवर्तिनाम। अर्थात विद्वान पुरुषों का कहना है कि नाव पर बहुत से लोग एक साथ बैठ जाते हैं, या भी एक प्रकार का संयोग है, किंतु वह क्षणिक है, उनमें सबका विचार एक दूसरे से भिन्न रहता है, संयोग वश वे एकत्रित हो जाते हैं, पुनः घाट पर होते ही अपने अपने संकल्प अनुसार से विक्त हो जाते हैं, अतः उस संयोग से कम सुख प्राप्त होता। तो जैसे एक नाव में आप बैठते हैं और या जा कहीं जाते हैं, किसी अनजान लोगों से मिलते हैं, बात चीज चलती, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर लोग अपने अपने फिर घर काम में चले आते हैं, तो वो सुख उसने कहा कि कम सुख देता वो संयोग, वो रिलेशनशिप रिश्ता, क्योंकि प्रसंग अनुसार उनकी चित्तवृत्तियों में परिवर्तित होता है, और इस कारण वह अधम सुख है। परंतु सर्वोत्तम सुख तो इस संसार में स्त्री पुरुष का संयोग कहा गया है, एकांते समान अवस्था वाले दाम्पत्य सुख से बढ़कर संसार में कोई सुख नहीं है। अर्थात समवस्त स्त्री पुरुषों का संयोग सौभाग्यवश प्राप्त होता है, इसलिए वह अति उत्तम संयोग माना गया है। और स्त्री पुरुष का जो संयोग है, रिश्ता है, वह अति उत्तम सुख हुआ देता है इस पृथ्वी पर। कई इसके कारण हैं, उसमें विशेष हम नहीं जाएंगे, लेकिन उससे क्या होता है कि आपको संतान सुख की प्राप्ति होती है, आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हो, गृहस्थ जीवन में आप उसको जो सही बनाता है, सक्सेसफुल बनाता है, वो स्त्री पुरुष का ही रिश्ता ही है, और वो उत्तम सुख माना गया। और जैसे हम देखते हैं कि एक सफल जीवन के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब चाहिए, और बल्कि धर्म अर्थ काम ये आप मोक्ष की ओर ये ले जाएंगे, क्योंकि आप अपना जो गृहस्थ का जो कार्य है वो अच्छी तरह से तभी निभा पाओगे, अगर आप धर्म जो आप करना है वो आप करोगे, अर्थ आपके पास धन धान है तभी तो आप भक्ति भाव कुछ कर सकोगे, और काम कुछ डिज़ायर्स तो आपको चाहिए ही चाहिए जीवन को आगे बढ़ाने में, आगे पीढ़ी को बढ़ाने। तो ये पति पत्नी का स्त्री पुरुष का महिषासुर बता रहा है कि या उत्तम सुख है, अति उत्तम सुख।
आगे श्लोक आता है कि इंद्रायः सुरा सर्वे संग्रामे विजिता मयः रत्नाः यानि दिव्यानि भवतः अस्मिन् ममः धुना। अर्थात इंद्र आदि सभी देवता संग्राम में मुझे परास्त हो चुके हैं, इस समय संसार के जितने उत्तम रत्न है वह सभी मेरे पास राजभवन में विद्यमान है, अतः तुम मेरे साथ चलो, वहाँ सभी प्रकार के सुख भोगो, तुम इच्छा अनुसार उनका उपयोग करो तथा स्वेच्छा दान पुण्य करो, अतः हे परम सुंदरी देवी तुम मेरी पटरानी बन जाओ, ये सौभाग्य तुमको मिलेगा। आज से मैं तुम्हारा सेवक हूँ, अब तुम्हारे कथानुसार मैं देवताओं से वैर भाव का त्याग करता हूँ, तुम स्वेच्छा सुख भोग कर और आज्ञा कहो, मैं कुछ करने को तैयार हूँ। हे विराकलाक्ष, हे विशालाक्षी, हे मंजुभाषिणी प्रिय, मैं तुम्हारे सुंदर रूप गुणों पर मोहित हूँ, वो जो आज्ञा मैं अभी करता हूँ। तो महिषासुर बोलता है, फिर वह बुरे वचन कहता है हमारी माँ से कि उसके साथ चली जाओ, और बोलता है तुमको क्या चाहिए, मैं दूंगा हम मेरे पास, मैं क्योंकि मैंने सबको पराजित कर लिया, देवताओं को मैंने जीत लिया, सब रत्न ज्वेल्स जो है मेरे पास। आज वो ये बात आज तक लागू है, हमने भी देखा कोहिनूर जो है हमारे कहाँ है आपको पता है, किसके क्राउन ज्वेल्स में आपको पता है, किसके मुकुट पे आपको पता है, और फिर कॉलोनाइजेशन, अत्याचार, स्लेवरी, इसके बाद गिरमिट, ये सब, और फिर अपोलोजाइज नहीं करते ये लोग कि क्या अत्याचार है किया है दुनिया को। उसी प्रकार यहाँ पर है, मैं ऐसा जरूर बता रहा है, मैंने सबको बाहर आ दिया, सभी का जो रत्न जीवन से मेरे पास है, तुमको क्या चाहिए। देवः उवाच नहं पृष्यामिच्छामि प्रणं पृशं विनः तस्य चेष्यामहं मदेत्य सृजामहे सकलं जगलं सम्महापश्यति अविश्वात्मः तस्यानं प्रकृति शिवः। भगवती ने कहा कि मैं परम पुरुष परमात्मा के अतिरिक्त और किसी पुरुष को कभी चाहती ही नहीं, क्योंकि मैं उस परम पुरुष की इच्छा शक्ति हूँ, मैं ही समस्त ब्रह्मांड की सृष्टि करती हूँ, वह विश्वात्मा मुझे देख रहा है क्योंकि उसकी प्रिया प्रकृति शिवा हूँ। तुम्हारी माँ बताती है सब कुछ सृष्टि सब कुछ मैं ही हूँ, और अपने आप को माँ बताती शिवा हूँ, और फिर परम पुरुष भी देवी बताती, तो महिषासुर का पूरा दिमाग घुमा देगी, मतलब कि ऐसा वचन कह दिया कि महिषासुर को समझ में नहीं आएगा। हम ऐसे मनुष्य को भी हमारी देवी को समझना नामुमकिन, लेकिन इतने हम समझ ले कि सभी कुछ वही है। महिषासुर को बताती है कि कभी नहीं, तुम जो सोच रहे हो कभी नहीं। श्लोक आता है कि तत्सान्या देवः शा देवः चैतन्यम् मयि शाश्वतम् जडांहतम् तस्य संयो गात्र भवामि सचेतनः। अर्थात उनका सन्निध्य पाने से ही मुझ में सर्वदा रहने वाली चेतना जागती है, नहीं तो मैं जड़ स्वरूपा माया थी, उनके संयोग का ही प्रभाव है कि मैं सचेतन हो गई हूँ। जैसे कि हमने कथा में सुना कि जो सभी देवता हैं हमारे शिव शंकर जी भगवान, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, सभी देवता हैं अपने ज्योति से माँ को प्रकट करते हैं, लेकिन माँ तो हर वक्त से निर्गुण रूप में थी, लेकिन वो आती है दर्शन दे देवी रूप, वही महिषासुर को समझा रही कि मैं थी माया रूप में थी, लेकिन अब यहाँ पर आई हूँ राक्षसों का अंत करने के। जिस प्रकार लोहा स्वभावत जड़ होने पर भी चंबुक का संयोग होते ही उसमें चेतना आ जाती है, उसी प्रकार में जड़ प्रकृति होते हुए भी परम पुरुष के संयोग से शक्तिशालिनी हो जाती है।
अरे मूड दैत्य, मैं ग्राम में सुख भोगने की कभी इच्छा नहीं करती। वास्तव में तेरी बुद्धि बड़ी खोटी है कि तू स्त्री संबंधित काम सुख के लिए इतना ललाहित है। ठीक ही कहा है कि स्त्री ही पुरुष को बंधन में बांधने वाली लोहे का जंजीर के समान। तो माँ बताती है, हाँ तुम वही कर रहे हो जो एक बेकार पुरुष करने के लायक है। एक स्त्री को देखा, बस सब कुछ भूल। अम्मा बताती है कि तुम मुझको समझ नहीं सकते महिषासुर, नहीं समझ सकते। सब कुछ मैं हूं, लेकिन देवी रूप में आया हूं दर्शन देने के लिए दैत्य का और तुम्हारा अंत करने के लिए। श्लोक आता ही है कि तज्जम वैरम सुरैया सार्धा यथेष्ट विचरा वनवा पाताल गच्वा कामम ज्वित्तश्यः यत्स्थितहे। यदि कल्याण चाहते हो तो शीघ्र देवताओं से वैर भाव छोड़कर स्वतंत्रता पूर्वक संसार में विचरण करो, अथवा यदि तुझे जीने की इच्छा नहीं हो इच्छा हो तो पाताल का पाथिक बन जा, सीधे लौट जाओ। फिर बोलती है महिषासुर, तुम पाताल चले जाओ। अगर तुमको जीवित रहना है, जिंदा रहना है, तुम पाताल चले जाओ, नहीं तो युद्ध भी कर सकते हो। मैं भी बलवती हूँ, मुझे केवल कोमलांगनी अबला ही मत समझो, क्योंकि अब देवताओं से मिलकर मुझे यहाँ भेजा है केवल दानों के नाश करने के लिए। सभी दैत्य मर चुके हैं, अब केवल तुम ही बाकी हो। सबको तुमने भेज दिया, तुम्हें बचाए तुम्हारा समय। लेकिन फिर माँ बोलती है तुमको रहना, अगर चले जाओ पता इसी क्षण। इस समय देवताओं ने तेरे वध के लिए प्रार्थना की है, परंतु कोमल वचनों द्वारा तू मेरा स्वद मित्र बन चुका है। इसके फलस्वरूप भी मैं तुझे सही बात बता रही हूँ, क्योंकि तेरा या वाचनिक व्यवहार मेरी प्रसन्नता का कारण बन गया है, अतः तू अब जीते ही सुखपूर्वक यहाँ से चला जा। तो महिषासुर अभी तक बात कर रहा है, कुछ ज्ञान की बात भी उसने किया। तो माँ कह रही है कि माँ है, माँ तो माँ है ना, हर हर वक्त कहता रहता हूँ कि माँ अपने संतानों से बहुत कम नाराज होती, बहुत कम। यहाँ पर माँ बता रही है महिषासुर को है, महिषासुर भले ही तुम उल्टा सीधा बक रहे हो, लेकिन तुम कुछ ज्ञान की बात भी तुमने किया है और सीधे आते युद्ध नहीं शुरू कर दिया। तो इस कारण अगर तुमको जीवित रहना तो यहां से चले जाओ महिषासुर। व्यास उवाच इति तस्या वचनम श्रुता दानवा कामोहितम्। व्यास जी कहते हैं कि भगवती जगदम्बा की यह बात सुनकर कामी महिषासुर ने मीठे मीठे बातें प्रारंभ कर दी। तो जब माँ ने कहा कि अच्छा तुम बात कर रहे हो, सीधे लड़ाई नहीं कर रहे हो, और उससे मैं कुछ प्रसन्न हूँ और तुमको जीने का बता रही हूँ, तो महिषासुर और बात करने लगा। हे प्रसन्न बंदे, हे सुजग ने, मुझे तुम्हारे ऊपर प्रहार करने में भय और मोह लगता है, क्योंकि तुम सर्व सुंदरी एवं कोमलाग्नि हो। ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं तथा इंद्राणी लोकपालों पर विजय प्राप्त कर समस्त पुरुष जाति को मोह लेने वाली तुम जैसी प्यारी नारी नारी रूप में मैं कैसे प्रहार करूं। तो अब महिषासुर बात थोड़ा बदल रहा है, बोल रहा है तुम स्त्री हो, मैं तुम पर वार नहीं कर सकता। आगे श्लोक आता है कि किम महातव्यः स युद्धमा मे युक्तमा कमला लोचने रोचते यादि चारवाग्निया विवाहम करु माम भज। अर्थात कमलाक्षी, तुम्हारे साथ युद्ध करना मुझे सर्वथा अनुचित जान पड़ता, अथवा यदि चाहो तो तुम मेरे साथ विवाह करके आनंद से के साथ त्रिलोक का राज करो, नहीं तो तुम जिस स्थान से आई हो वहीं स्व इच्छा चली जाओ। मैं तुम्हारे ऊपर शस्त्र प्रहार
नहीं कर सकता क्योंकि तुमने मेरे साथ मैत्री कर ली है। तो माँ ने इसको कुछ अच्छा कह दिया तो ये तो पूरा, ऐसे वही बोलते हैं ना कि उंगली दो पूरा हाथ ले लिया, वही बात है। अब महिषास को थोड़ा बोल दिया कि हाँ तुमने कुछ अच्छा किया है, वचन किया है, इसलिए मैं तुमको छोड़ भी सकती हूँ और तुम पता चल जाए। लेकिन महिषास तो यहाँ उसका अलग बात चल रहा है उसके दिमाग में, तो कुछ और चाह रहा है नीच। और बोलता है कि तुमने मेरी साथ मित्रता कर दी, ऐसे ऐसे बोल रहा है। मंदोदरी वहा तन्वंगनिहा परित यज शुंभ नृपम अनुकूल पतिम पश्यत सहा चकारम शरम पतितम कामार्थ चा यदा जाता मोहिना व्याकुलांतरहा। अर्थात जिस प्रकार मंदोदरी ने सुंदर राजा का परित्याग किया, अपने अनुकूल पति का तिरस्कार करके बाद में दुष्ट यवंग दुराचारी पति को प्राप्त किया, उस प्रकार तुम्हारी गति होगी। क्योंकि अपने अनुकूल राजा का परित्याग कर कामातुर होने पर अंत में मंदोदरी ने किसी षट पुरुष को ही अपना पति बनाया और जीवन भर पछताई। तब अब यहां महिषासुर आप देखिए माँ को वो बोल रहा है तुम मंदोदरी की तरह, कि उसने अच्छा पति छोड़कर बुरा पति, जिसे मैं कहता रहता हूं कि काल समय का चक्र साइकिल ऑफ टाइम चलता है ना। यहां पर मंदोदरी नाम बोला महिषासुर ने, और कथा तो वैसे सत्युग की है, तो इसका क्या भेद है। वैसे यहाँ पर अध्याय यहाँ पर अंत होता है, उसको हम श्रवण कर लें फिर थोड़ा और आगे बढ़ते। यदि श्रीमद्देवी भगवते महापुराणे अष्टशस्त्रायम संहिताया पंचमस्कंदे महिषा महेश द्वारा देवी प्रबोधन नामशो दशोत अध्याय। एक बार बोलिए जगदम्बे मात की जय। अतः सप्तदशो अध्याय सिंहल देश की राजकुमारी मंदोदरी वृतांत, सिंहल नृप की पुत्र का मंदोदरी चरित्र। 17वें अध्याय में चलिए हम श्रवण करते हैं श्री व्यास उवाच। आज का अंतिम श्लोक। इति श्रुत्वा वत्से यहा देवी प्रचश्य दानवं कासा मंदोदरी नारी को सवात त्यवा नृपस्थितः षट्टः को वा नृपः पश्चात्मया ब्रूहि कथानकं विस्त्रेणः यथा प्राप्तं दुःखं बलित्या पुनः। व्यास जी कहते हैं कि हे महाराज, जनमजय महिषासुर की बात सुनकर भगवती ने उससे पूछा, माँ पूछती है कि ये मंदोदरी कौन है और वह राजा कौन था जिसे उसने त्याग दिया, तथा तो वह कौन सा धूर्त एवं मूर्ख राजा था जिसकी फिर वह स्त्री बन गई, और पुनः उस स्त्री मंदोदरी को किस प्रकार कष्ट हुआ, यह सारी कथा प्रसंग विस्तार से मुझे सुनाओ। अब क्योंकि जब युद्ध होता है, जैसे आजकल भी केवल अस्त्र शस्त्र का युद्ध नहीं होता, उससे पहले युद्ध से पहले युद्ध के दौरान युद्ध के बाद में वार्तालाप बातचीत का युद्ध होता है, और उसका स्ट्रेटजी होता है शतरंज में चेस में होता है उसी प्रकार। तो यहां पर वही कुछ कथा है कि माँ को सब पता है, लेकिन माँ पूछ रहे महिषासुर तुम बताओ मंदोदरी कौन थी, क्या कथा है, क्या राज है, उससे हमारा यहाँ क्या लेना देना। प्यारे श्रोतागण आज के लिए इतना ही, कल विजयदशमी आपसे फिर जुड़ जाएंगे। आप देखते रहिए।
लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। हम कल फिर आपसे मिलेंगे। एक बार बोलिए जगदम्बे मात की।